दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको घी के बारे में बताने वाला हूँ। भाइयों हमारे यहाँ एक कहावत है कि भले ही आपको कर्ज लेकर के खाना पड़े घी, फिर भी आप खाओ। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घी का कितना इम्पोर्टेंस है अपने डाइट में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको घी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट है कि घी से वेट गेन होता है कि वेट लॉस होता है, बहुत से डाउट्स हैं, तो दोस्तों मैं इसको आज क्लियर करूंगा। दोस्तों घी के अंदर आपको पता है 99% वसा होता है, फैट, और ये जो फैट होता है वो मोनो सैचुरेटेड होता है, मतलब गुड फैट होता है जो आपकी बॉडी को कुछ हार्म नहीं करता। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि घी खाने से वेट लॉस होता है। हाँ वेट लॉस होता है, लेकिन किन कंडीशन में होता है ये जानना जरूरी है दोस्तों। दोस्तों घी से वेट लॉस होता है जब आपके बॉडी पे एक्स्ट्रा फैट होता है। दोस्तों अगर आपकी वेट समझ लीजिए 100 kg है, उसमें से 20 kg आपका फैट है। फैट कैसे पता चलेगा? आपकी कमर पे इतना मांस होगा, आपके पिछवाड़े पे होगा, आपके जांघ पे होगा, आपके पेट पे होगा, समझिए कोई एक्स्ट्रा फैट है। तो एक्स्ट्रा फैट होता है तो उस कंडीशन में आप घी खाते हैं तो घी से आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि घी में लिनोलिक एसिड होता है जिसका काम होता है आपके बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को बर्न करना, खत्म करना। तो आप समझ गए कि वेट, अगर आपकी फैट कम होगा आपका तो आपका वेट लॉस होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन किन कंडीशन में आपका वेट गेन होता है ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब आप पुशअप्स करते हैं, आप जिम में जाके पसीना बहाते हैं, आप स्किपिंग करते हैं, आप दौड़ते हैं, ऐसे कंडीशन में आपका वेट गेन होता है। दोस्तों क्या होता है कि आप घी को क्वांटिटी का अगर आप स्लो स्लो धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो आपका वेट गेन होता है, और साथ में आपकी जो खाने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मली 4 से 5 रोटी खाते हैं, लेकिन जब आप उसमें घी ऐड करते हैं तो आपकी जो रोटी की इंटेक है वो बढ़ जाती है, आप उसको 7 से 8 करते हैं। जब आपकी खाने की क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका कैलरी इंटेक बढ़ेगा, और कैलरी इंटेक बढ़ेगा तो आपका वेट गेन होगा, जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल है, ये समझ गए। दोस्तों सेकंड चीज़ आती है कि वेट गेन के लिए हमको घी को कैसे बड़ा क्वांटिटी बढ़ाना है। दोस्तों आप स्टार्टिंग में 2 से 3 चम्मच ऐसा कर करके पर डे अपना इंटेक थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं, और आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ ऐड करके कोई कैसे भी आप खा सकते हैं, उससे आपका वेट गेन होगा। अगर आपकी बॉडी फैट नहीं है तो 100% वेट गेन होगा। दोस्तों ये चीज़ आप मत करना, ऐसा नहीं कि वेट गेनिंग के चक्कर में आप घी को ऐसा करें कि एक ही दिन 1 गिलास घी पी गए, बाद में क्या होगा पीछे से बहना चालू हो जाता है। तो इन कंडीशन में आप बोलोगे इसने बताया ऐसा ऐसा, मैंने इसके लिए बताया कि आपको क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाना है, मतलब स्लो स्लो करके, कभी 2 चम्मच फिर 3 चम्मच ऐसा कर करके आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। तो दोस्तों आपको तो पता चल गया होगा कि घी से वेट लॉस भी होता है और वेट गेन भी होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीडियोस आपको मिलता रहे।